से और कितना एंजॉय किया यहाँ पे जिमिंग सेशन आपने? बहुत अच्छा है, सारी इक्विपमेंट्स है और बहुत सारा स्पेस भी है, लाइक इट्स अ ह्यूज प्लेस, सो यू कैन डू फ्री हैंड एक्सरसाइज एज वेल, यू कैन डू योर योगा, यू कैन डू पिलाटिस, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, एंड फंक्शनल भी कर सकते हो, लाइक मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइक वेट्स तो हम करते ही है और महीने में सॉरी हफ्ते में दो दिन हम फंक्शनल करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे आप फंक्शनल कर सकते हो, एंड लेग्स के तो बहुत सारे मशीन्स है, इवन एब्स के भी मशीन्स हैं, वेट्स सब तरह के हैं लाइक, और बहुत सारे कार्डियो मशीन है, मतलब वो होता है ना कि हम कभी जिम में जाते हैं देन वी हैव टू वेट फॉर आवर टर्न एंड ऑल ऑफ दैट, पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मशीन्स के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सो इट्स रियली ग्रेट। राइट, टॉकिंग अबाउट फिटनेस, कितना सीरियसली लेती है फिटनेस को, क्योंकि एज एन एक्टर खुद को फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या कहना चाहेंगे? या एक्चुअली आई वॉज वेरी बल्की, लाइक जब मैं कैलकटा में रहती थी आई यूज टू बी बल्की, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मतलब अभी मैं ब्लेस्टोल नहीं हूँ, मतलब बिरयानी खाने की जो तमन्ना है वो अभी भी है, बट मैं रोक लेती हूँ खुद को, एंड आई एम वेरी फिटनेस फ्रीक, लाइक सुबह उठ के मैं योगा करती हूँ, फिर शाम को जिम जाती हूँ, हफ्ते में तीन दिन योगा करती हूँ, एंड इट मेक्स मी फील अलाइव, यू नो लाइक योगा इज अमेजिंग, एंड जिमिंग भी ज़रूरत होती है ऑब्वियसली बिकॉज टोनिंग एंड यू नो मसल गेनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई एम वेरी फिटनेस फ्रीक एंड लव वर्कआउट, लाइक मैं शूट के बाद भी लाइक आफ्टर वॉकिंग 24 आवर्स आई कैन हिट द जिम एंड आई कैन वर्कआउट लाइक। And as an actor, ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है फिटनेस के लिए, जिसकी फिटनेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो फिटेस्ट एक्टर है? आई गेस आलिया, बिकॉज मैं उसका मतलब ऑब्वियसली स्टोरीज देखती रहती हूँ ऑल ऑफ दैट, शी गोज टू पिलाटिस क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, वेट ट्रेनिंग, फिर नॉर्मल फंक्शनल वर्कआउट, मतलब शी इज एवरीबडी, मैं सारा अली खान, शी इज आई गेस शी इज ऑल्सो फिटनेस फ्रीक एंड फूडी लाइक मी, आई एम अ फूडी। So, also talking about your professional front, क्या upcoming projects है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? So, basically we are coming up with Class of 2020 season 2, and apart from that, I am doing a series for Voot. So, the shooting has not yet started now, so it will. And hopefully, Barrister Babu season 2 is coming. I don't know whether I'm there or not, but still, I wish the team best of luck. Right. और Barrister Babu के fans लोगों की तरफ से I'm sure बहुत सारे messages आते होंगे आपको. अगर कुछ बताएं कि क्या क्या मैसेजेस आते हैं, कितना मिस करते हो लोग आपको? बहुत सारे, इवन लोग अभी भी गाना गा के मुझे भेजते हैं, एंड मेरे जो सीन्स है उसमें क्या रील बना के भेजते हैं। बैरिस्टर बाबू एक शो नहीं था, वो एक इमोशन था, मतलब वहाँ से मेरी जन्म हुई है मुंबई में, सो दैट्स अ इमोशन फॉर मी एंड आई ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई चेरिश दोज मोमेंट्स लाइक एनीथिंग, लाइक वो परिवार था, so that will always be special. Right. Any tips you would like to give to audience about the fitness? रात को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, मैं कभी कभी खा लेती हूँ बट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लाइक सूरज डूबने के बाद यू शुडंट ईट एनी थिंग, एंड ब्रेकफास्ट में यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, इवन यू कैन ईट पराठे, लाइक आई तो हैव पराठे लाइक हफ्ते में दो दिन, सो यू कैन हैव दैट। उठने के बाद यू शुड हैव यू नो लेमन वाटर विथ ल्यूकवॉर्म वाटर, एंड उसके बाद लंच में यू कैन हैव नॉर्मल रोटी सब्जी घर का खाना, लाइक वॉट एवर आई इट इज घर का खाना, लाइक प्योरली होम मेड विद यू नो मॉम्स हाथों की जादू एंड ऑल ऑफ दैट, यू कैन कुक बाई योर सेल्फ एज वेल, सो हाँ रात को नहीं खाना चाहिए, एंड बाकी यू आर फिट एंड फाइन एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग होम मेड फूड। थैंक यू सो मच।